जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल विद योर फैमिली एट योर प्लेस। एंड टुडे इन फिजिकल एजुकेशन वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर द क्लास 11th। ठीक है, एक्चुअली ये चैप्टर बायो से रिलेटेड है, बट वी डू आवर बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसमें है फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देर आर टू वर्ड्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले इन्हीं वर्ड्स को जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? देखिए, एनाटॉमी क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जानना, उसकी नॉलेज लेना, उसी को एनाटॉमी कहते हैं। यू कैन राइट इन दिस वे डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। सिंपली ये बायोलॉजी की ब्रांच है जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करती है। इसको हिंदी में यू कैन राइट दिस वे, शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। शरीर की रचना, ठीक है, शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। शरीर की रचना मतलब शरीर के बॉडी का स्ट्रक्चर की नॉलेज या पढ़ाई की जाती है इसमें। अब बात करते हैं, ये एनाटॉमी क्लियर हो गया। फिजियोलॉजी, देखिए फिजियोलॉजी क्या है? इट इज साइंस विच डील्स विद द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेन्स, फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेन्स और सिस्टम। हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गेन्स हैं या बहुत से सिस्टम्स हैं, उसकी स्टडी करना, देयर रिलेशन विद अदर ऑर्गन्स एंड देयर इफेक्ट्स। भाई उनके आपस में क्या संबंध है, एक दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके फंक्शन क्या हैं ऑर्गन्स के, है ना, इन सब की स्टडी करना किस में आता है? फिजियोलॉजी में। हिंदी में कुछ इस तरह हम कह सकते हैं, इसमें शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हिंदी में फिजियोलॉजी को कह सकते हैं कि इसमें शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम दोनों की बात करते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दे आर लाइक रिलेटेड टू ईच अदर। भाई अपने शरीर को जानने के लिए, शरीर में ऑर्गन्स को जानने के लिए, शरीर के स्ट्रक्चर या फंक्शन को जानने के लिए हमें शरीर के स्ट्रक्चर की भी नॉलेज रखनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, साथ ही साथ हमें जो बॉडी में वेरियस फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, उसके बारे में भी जानना होगा। तो यही दोनों हैं, दैट मीन्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। वी कैन राइट मैनी, वी कैन राइट 10, 15, even 20 इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो वो हम वहाँ पर बात करेंगे। सो आई होप आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन और इसका अर्थ क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है, ठीक है, बट एक दूसरे पे उनका इफेक्ट भी पड़ता है, हैं। एक फंक्शन में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरा प्रॉब्लम भी, दूसरा फंक्शन भी उससे इफेक्टेड हो जाता है। सो मेन जो फंक्शन है विच इज़ गिवन इन आवर फिजिकल एजुकेशन बुक, उनके पहले नाम जानते हैं सारों के, फिर उसको हम उनको डिटेल वाइज एक को लेंगे। तो सबसे पहले है स्केलेटल सिस्टम, बहुत कॉमन सिस्टम है, हम सब जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ाया जाता है स्केलेटल सिस्टम। सो स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉन्स होती हैं, हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, शेप देता है, बॉडी को अपराइट खड़ा करके रखता है, और बॉन्स लीवर का काम भी करते हैं, बाद में जानेंगे इन सब के बारे में। तो ये हो गया स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो मसल, मस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, हमारी मसल्स होंगी जो हमारे मूवमेंट में काम आती हैं, और साथ ही साथ लीगामेंट्स होते हैं, टेंडेंस होते हैं। अब लीगामेंट्स और टेंडेंस क्या होते हैं और मसल किस तरह काम करती हैं, दैट वी विल सी लेटर व्हेन वी डिस्कस दिस टॉपिक। अब इतना जान लो कि मस्कुलर सिस्टम है बेसिकली मूवमेंट के काम में आता है, इट हेल्प इन द मूवमेंट, एंड इसमें होता है जो टेंडेंस होता है, लीगामेंट्स होती हैं, मसल्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम करता है हेल्प टू इन फ्लूड मूवमेंट, फ्लूड इन सेंस ब्लड का मूवमेंट जो करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है, हा? तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अपना हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ये सब आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बेसिकली ऑक्सीजन देता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही ऑक्सीजन मिलता है ब्लड को या माइटोकॉन्ड्रिया या जो सेल हैं कोशिकाएं उनको। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है कि अपना नोस्ट्रिल्स आ गया, देन अपना ये अपना फेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स आ गया, ट्रेकिया आ गया, ब्रोकी आ गया, ब्रोंकियोल्स आ गया, अल्वियोली आ गया और अपना डायफ्राम, ये सब आ गया इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इन डिस्कस लेटर, इनको एक एक को हम लेते हैं बाद में, डिटेल से हम इनको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई जो हम खाना खाते हैं वो सारा कहाँ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम भी एनर्जी प्रोडक्शन का है। खाना इसीलिए तो हम खाते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो विल डाई, है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक अवर माउथ एंड देन फूड पाइप देन स्टोमक। वी कैन ऑल्सो एड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। उसके बाद अपना नर्वस सिस्टम है। भाई नर्वस सिस्टम है ये क्या है, इसमें अपना ब्रेन आता है, अपना स्पाइनल कॉर्ड आता है और नर्व्स आती हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक तरह से कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को या पूरे सिस्टम को, है ना। इट्स लाइक कंट्रोलिंग, ब्रेन ही तो कमांड करता है भाई ये करना है वो करना है, ऊपर हाथ हिलाना है नीचे हिलाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, और ब्रेन जो सिग्नल देता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू देता है। प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड बैकबोन, हम बाद में बताएंगे स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन क्या होती है, है ना। तो ये हम स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अपना नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब भाई ग्लैंडुलर सिस्टम। भाई ग्लैंडुलर सिस्टम में ग्लैंड्स होती हैं, आई थिंक हिंदी में इनको ग्रंथियाँ कहा जाता है। ग्लैंडुलर सिस्टम क्या होता है कि ये इस दो पार्ट में है, एक तो एक्जोक्राइन एक होता है एंडोक्राइन, सो बाह्य और आंतरिक। सो इनमें कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे अपना थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंडी, एड्रेनल ग्रंथी, टेस्टीज एंड ओवरीज इन फीमेल्स, ऑल दिस, ये सारी की सारी ग्लैंड्स होती हैं। जैसे पैनक्रिया, तो ये हार्मोन्स छोड़ती हैं, जो एक्जोक्राइन की ग्लैंड्स होती हैं ये अपना एंजाइम्स रिलीज करती है। तो इनका भी रोल है, काफ़ी रोल है बॉडी में, क्या रोल है, कैसे क्या कैसे काम करती हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। और भाई अब आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, जैसा इसका नाम बता रहा है, एक्सक्रेट, एक्सक्रेट मीन्स बाहर निकालना। अब हमारी बॉडी में जो वेस्ट बच गया है, जो वेस्ट क्रिएट होता है, जैसे यूरिया, अमोनिया या जो अनडाइजेस्टेड फूड, इन सब को बॉडी से बाहर भी निकालना है। तो ये किसका काम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का। एक्सक्रेटरी सिस्टम में मेनली अपनी किडनी जाती है, यूरेथ्रा, साथ ही साथ स्किन भी, वी कैन से एक्सक्रेटरी सिस्टम में आता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमने जान ही लिया कि मोटा मोटा एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम है शरीर से वेस्ट को अनवांटेड, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी और विच कैन हार्मफुल टू बॉडी, उस वेस्ट को बाहर निकाल दें इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी से लाइक फूड वेस्ट, है ना, टॉयलेट के माध्यम से, और यूरिन और स्वेट, ये सब आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम में। भाई फाइनली अपना नाइन्थ सिस्टम दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाई इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं मेल और फीमेल के, एंड वी ऑल नो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली लाइक टू मेक बेबीज, जो इसका यूज होता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये हमारी फिजिकल एजुकेशन में जो सिस्टम्स दिए हैं, नाइन सिस्टम्स दिए हैं, एक बार क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने का मतलब इतना सा होता है कि वो चीज़ आपको याद हो जाए, कम से कम सिस्टम्स के नाम हो जाए। मान लो सिस्टम से नाम ही याद नहीं है तो आप उसका डिटेल स्टोरी क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी में क्या सिस्टम है उनके नाम याद होने चाहिए, फिर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जानी चाहिए कि कौन सा सिस्टम किससे रिलेटेड है। अगर हमको नाम नहीं मालूम और नाम मालूम तो हम कन्फ्यूज हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम है भाई।
या नर्वस सिस्टम का क्या काम है, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से अपने ऑर्गेन्स आते हैं, एटलीस्ट बेसिक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, तभी पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा लगता है। सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, तो मेन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी विच हैव बीन लिस्टेड इन अवर फिजिकल एजुकेशन बुक, देखिए यू आर टॉकिंग अबाउट द मेन सिस्टम। सो स्केलेटल सिस्टम हो गया भाई, बात की इसमें, मस्कुलर सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ग्लैंडुलर सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो याद हो गया आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मेरे साथ, हैं? मैं सोचता हूँ कि बार बार रिवाइज करने से आपको अभी याद हो जाएंगे। एक बार फिर से, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में बॉन्स होती हैं, ज्वाइंट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना मस्कुलर सिस्टम में मसल्स आती हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। टेंडेंस भी आते हैं, लिगामेंट्स भी आते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जो फ्लूड मूवमेंट में हेल्प करता है, जिसमें हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपना लंग्स आती हैं और लंग्स रिलेटेड विंड पाइप, ट्रैकिया, अल्वियोली, डायफ्राम और ब्रोंकी, ये सब आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा शुरू होता है माउथ से, जो कुछ खाते हैं हम, फूड पाइप में जाता है, फिर स्टोमक में जाते हैं, बड़ी आंत, इसको पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत आती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये अपना डाइजेस्टिव हो गया। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है भाई, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन के बाद अपना स्पाइनल कोड आता है, जिसके थ्रू सिग्नल जाते हैं और नर्व्स होती हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर सिस्टम हो गया भाई, जिसको हम ग्रंथि कह सकते हैं, आई थिंक ग्लैंडुलर को हिंदी में ग्रंथियां कहेंगे। ग्लैंडुलर सिस्टम में अपनी एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं, तो ग्लैंड्स हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज करती हैं। और ये पिजन मेरे ऊपर फ्लाई कर रहा है, नाउ इट्स गोइंग टुवर्ड्स विंडो। सो ग्रंथियों और ग्लैंड्स का भी अपना रोल है बॉडी में, एंजाइम्स और हार्मोन्स का रोल है, है ना। इनकी कमी और ज़्यादा से कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे पेनक्रियाज जो हार्मोन है इंसुलिन क्रिएट करता है, इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटीज़ बहुत बड़ी भयानक प्रॉब्लम है, कहा जाता है कि डायबिटीज़ में अगर आपने एक सिंगल मेडिसिन खा लिया तो लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा। सो कितने इंपॉर्टेंस है आप समझ तो सकते हो भाई। उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम है, शरीर से वेस्ट बाहर निकालता है। फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो बेबीज बनाने के काम आते हैं। सो अब हम इनकी एक एक को आगे स्टडी करते हैं। ओके भाई, सबसे पहले हम देख सकते हैं स्केलेटल सिस्टम, ये साथ मेरे साथ हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा स्केलेटल सिस्टम है, प्रॉपर नहीं है बट काफ़ी कुछ है इसमें, सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी में, स्केलेटल का सिस्टम का बेसिकली काम क्या है। देखिए सबसे पहले तो भाई काम क्या है, बोन्स का हमें अपराइट खड़ा रखती है, एक काम तो ये हो गया, बॉडी को शेप देती है ना, हड्डियाँ शेप देना हो गया। बोन्स क्या करती हैं भाई, मैं लिखूँ नहीं, स्पेस है भी नहीं, मैं खाली नंबर डाल रहा हूँ। तो मैंने क्या पहले क्या बता दिया, पहला काम बॉडी को अपराइट रखती है, खड़ा रखती है, एक नंबर वन। नंबर टू मैंने लिख दिया, बॉडी को शेप देती है, ओके हो गया। नंबर थ्री, बोन क्या है भाई, लीवर का काम भी करती है भाई, अपनी मसल्स हैं जो बोन से अटैच हैं, कैसे अटैच हैं बाद में बात करेंगे, बट अल्टीमेटली बाद में लीवर का काम कर रही है ना। हम लीवर के बारे में आपने नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे, ये लीवर तीन तरह के होते हैं, तो बोन लीवर का काम भी करती है, ये नंबर तीन हो गया। और क्या करती है भाई बोन, भाई बोन मिनरल स्टोरेज का भी काम करती है। हमारी बोन्स के अंदर फॉस्फेट और कैल्शियम का स्टोरेज भी होता है, एंड बिकॉज ऑफ द कैल्शियम हमारी बोन इतनी हार्ड है, ठीक है। सो मिनरल स्टोरेज का भी काम करती है, ठीक है। और क्या हो गया भाई, देखिए हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, सारी की सारी बॉन्स हैं वो ये काम नहीं करती, बट काफ़ी सारी बॉन हैं, हम बताएंगे कौन कौन सी हैं। तो बॉन हमारे जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे हार्ट हो गया भाई, इट्स प्रोटेक्टेड बाय द बॉन, लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया, तो ये सब स्कल में अपना ब्रेन हो गया, यहाँ पे हैं जो बॉन, तो ये बॉडी इंटरनल ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन का काम भी हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया भाई, नंबर सिक्स,
भाई जो अपना ब्लड है बॉडी में, ब्लड भी, ब्लड का निर्माण भी बोन में ही होता है, जिसको कहते हैं बोन मैरो। बोन के अंदर जो अंदर से एक नेट जैसा होता है, मॉस्किटो नेट जैसा, मच्छरदानी जैसा, जिसमें खून का निर्माण होता है, खून बनता है, उसको हम कहते हैं बोन मैरो। तो अल्टीमेटली खून कहाँ बन रहा है, बोन में बन रहा है, तो बहुत बड़ा रोल हो गया, ये भी हो गया। अब हम ब्लड के अंदर वही जितने भी RBC हैं, WBC हैं, वो सब आ गए। हमने खून की बात कर दी कि खून का निर्माण कहाँ होता है, बोन में होता है। तो काफ़ी कुछ हमने बता दिया बोन के बारे में, बोन का तो बहुत कुछ काम है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बोन कहाँ कहाँ कितनी होती है। देखिए फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है अपनी 11th क्लास में, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं दिया गया जो मैं बता रहा हूँ बोन्स के बारे में, जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने खाली बोन कितने टाइप्स की होती है उनके नाम दिए हैं और दो दो सेंटेंस इनके बारे में बताया, बट मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही बता रहा हूँ। तो बोन को वी कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो एडल्ट होता है या जिसकी उम्र भाई 10-12 साल से ज़्यादा हो जाती है, उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, बोन होती हैं, जबकि बचपन में ये हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसलिए देखा होगा आपने बच्चा कई बार गिर भी जाता है, बेड से गिर जाता है, थोड़ा सा हाइट से भी गिर जाता है, तो बच्चे को जनरली कुछ होता नहीं। रीजन कि एक तो बच्चे में बोन्स की संख्या कई बार 270 और 300, कई बार क्या 270 और 300 के बीच में होती है, और उसमें जो चाइल्डहुड में जो बोन्स होती है इतनी हार्ड नहीं हो पाती है, इसलिए बच्चे को चोट नहीं लगती। बात जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिन्हें बोलते हैं ना तेल मालिश की जाती है, तो तेल मालिश करने से क्या है, ये जो बोन्स की संख्या ज़्यादा है 270 या 300 है, तो धीरे धीरे बोन ज्वाइंट होती है। तो तेल मालिश हम अच्छे से करेंगे तो भाई बोन आपस में अच्छे से ज्वाइंट होंगी, नहीं टेढ़ी मेढ़ी ज्वाइंट होंगी। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि भाई होली ऑयल का यूज़ करो बचपन में, बच्चे के ज्वाइंट्स की, बोन्स की मसाज करो, मसल्स की, वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रोइंग के लिए, बोन्स के लिए, है ना। ठीक है, तो समझ गए, एडल्ट में जो बोन्स होती हैं 206 होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन पहले जो शिशु अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है जन्म लेने के बाद, उसमें हड्डियाँ 270 से 300 के बीच में होती है, बाद में वो ज्वाइन हो जाती हैं। कुछ हड्डियों के हम बारे में बात भी करेंगे, जैसे हमारी वर्टीब्रल कोलम है, इसमें 33 बोन्स होती हैं बचपन में, बाद में यही 26 हो जाती हैं। कुछ हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे मैं आपको शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम को। स्केलेटल सिस्टम को वी कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। भाई एक को हम कह सकते हैं एक्सियल और दूसरे को कह सकते हैं अपेंडिकुलर। अब एक्सियल में 80 हड्डियाँ होती हैं, 80 बोन्स होती हैं, और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती हैं। अगर हम दोनों का टोटल कर लें तो ये हो जाएंगी 206। मैं गलत तो नहीं हूँ, मैं लेता हूँ, 6 ये होगी, 0 ये होगी, 206 ये होगी, 206 बोन्स। अब जो मैंने, आप बोलोगे सर आपने इनको डिवाइड क्यों किया, भाई डिवाइड इसलिए किया जो एक्सियल है, AXIAL एक्सियल, जिसको हम अक्षीय भी कहते हैं हिंदी में, अक्षीय मैं लिख दूँ कहाँ, जगह तो है नहीं, इधर लिख सकते, AXIAL को मैं लिख सकता हूँ अक्षीय। तो ये अक्सियल जो बोन है, बेसिकली ये वो बोन है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, कवर देती हैं, जैसे डिफेंस में कवर फायर देते हैं ना, जब कोई बंदा आगे जाता है, अपना फ्रेंड, अपनी अपनी प्लाटून का या अपनी टुकड़ी का बंदा आगे जाता है, तो हम उसको कवर फायर देते हैं ताकि उसके दुश्मनों से बचाया जा सके। ऐसे ही ये जो एक्सियल बोन है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कवर करती हैं। तो ऐसी जो बोन है उनको मैक्सियल बोन कहते हैं, और इनकी संख्या है 80, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को कवर करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया, इनके ऊपर जो बोन्स हैं जैसे रिब्स हो गए, बाद में बात करेंगे, इनकी संख्या 80। अब अपेंडिकुलर वो बोन है जिनको हिंदी में कह सकते हैं उपाघीय है। मैं लिख दूं यहाँ पे फिर से, चलो AEN स्पेलिंग आप देख लेना, अपेंडिकुलर उपाघीय, भाई हिंदी में मैं उपाघीय ही होता है, एक बार देख लेता हूँ, उपाघीय, उपाघीय ही होता है। इनकी संख्या है 126, इनकी स्ट्रेंथ कितनी है 126। ये वो बोन होती है जो प्रोटेक्शन तो नहीं देती बट बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, और साथ ही साथ बेसिकली ये काम में आते, भाई हैंड है, हमारे हाथ हैं या पैर हैं,
अब ये बॉडी को बेसिकली किसी इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन तो नहीं दे रहे, बट इनसे हम काम भी तो करें, पैरों से हम चल रहे हैं तो वहाँ भी हमें बोन की ज़रूरत है। तो इस तरह की जो बोन है जो प्रोटेक्शन तो नहीं देती, बाकी जो बोन है उनकी संख्या है 126। अब देखिए भाई, हाथ को जो अपने हाथ है हम इनको लिम्स कहते हैं, लेकिन ये ऊपर की तरफ है तो इनको अपर लिम्स कह सकते हैं। लिखूँ लिखूँ मैं अपर लिम्स। हम ना अपनी डिसेबिलिटी वाले चैप्टर में भी आया कि फिजिकल जो डिसेबिलिटी होती है वो अपर लिम्स में भी होती है, लोअर लिम्स में भी होती है। तो वो लोअर लिम्स और अपर लिम्स, ये अपर लिम्स का मतलब है ये अपने हाथ हो गए और लोअर लिम्स का मतलब हो गया अपना पैर, ठीक है भाई, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। तो हम बात कर रहे थे जो अपेंडिकुलर बोन है इनकी संख्या होती है 126, ठीक है। ये मोटा मोटा जान लिया, एक बार मेरे साथ रिपीट करें, जो एक्सियल बोन होती है ए एक्स आई ए है, इनका काम क्या है, ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देती है और इनकी संख्या होती है 80। जो अपेंडिकुलर बोन है ये जिनसे हम काम करते हैं, चलते फिरते हैं, सामान उठाते हैं, लिखते हैं, इनकी संख्या है 126, ठीक है, जिनको हम हिंदी मुपाइये कहते हैं। अपर लिम्ब वो होते हैं हाथ जो हम ऊपर की तरफ रेज कर सकते हैं, ऊपर होते हैं, लोअर लिम्ब्स में आते हैं हमारी लेग्स, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब हम सबसे पहले जानेंगे 126 बोन्स को कि 126 बोन बॉडी में कहाँ कहाँ होती है, कुछ एक के नाम भी जानेंगे, उसके बाद में हम 80 बोन्स को जानेंगे। जब हम 126 को जान लेंगे तो 80 बोन को तो ईजिली जान लेंगे ना भाई। चलो बात करते हैं। चलो अब हम इसकी हेल्प लेते हैं, ये जो भाई साहब हैं इनकी हेल्प लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं 126 बोन की, जो अपेंडिकुलर बोन्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो एक हाथ में बोन होती है 30। एक हाथ में बोन कितनी होती है भाई, 30। अगर हमने एक हाथ की बोन को जान ली तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों हाथों में 30 हो जाए, 60 हो जाएंगे। तो पहले हम एक हाथ में जो अपनी बोन होती है उनको जान लेते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले जो बोन होती है कंधे से लेके यहाँ एल्बो तक, ये देखिए शोल्डर से लेके जो एल्बो तक बोन होती है, एक ही बोन होती है और उस बोन का नाम है ह्यूमरस। एक बोन लिख दिया मैंने, इजी हो गया, याद भी हो गया, क्या नाम है आप बताएं ह्यूमरस। कंधे से लेके एल्बो तक जो बोन है वो हो गई ह्यूमरस, लिख दिया मैंने। अब भाई एल्बो से लेके जो अपना रिस्ट है ना, हम जिम में जाते हैं जैसे रिस्ट को घुमाते हैं, सारी एक्सरसाइज करने के बाद जो जिम जो अपना जो ट्रेनिंग देने वाला है कोच है, बोलता है कि भाई इसको रिस्ट को रोटेट करो ताकि किस तरह का स्ट्रेन स्प्रेन रिस्ट में ना रहे, ठीक है। तो एल्बो से लेके रिस्ट तक दो बोन होती है, पहले एक थी। तो जो दो बोन देखें यहाँ पे भी इस डायग्राम में दिखाया गया, तो जो बोन अंगूठे की तरफ जाती है, तो इस डायग्राम में ये अंगूठा, तो ये जो बोन आ रही है इसको कहेंगे हम रेडियस। तो एक बोन तो होगी भाई रेडियस, और जो दूसरी लिटिल फिंगर की तरफ जाती है, कानी उंगली की तरफ जाती है, उसको हम बोलते हैं उल्ना, ULNA। कितनी बोन हो गई, तीन बोन हो गई, हुमरस रेडियस उल्ना, हुमरस रेडियस उल्ना, तीन बोन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, रिस्ट वाला जो एरिया है जहां से हम रिस्ट रोटेट करते हैं इसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कलाई। कलाई से क्या बन गया, कार्पल्स, याद होने के लिए भाई, कैसे कलाई कैसे कार्पल्स। तो कार्पल्स में कितनी बोन होती है, आठ बोन होती है। अब हम उन आठों का नाम जानने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना जान लें कि कार्पल्स में कितनी बोन होती है, एट होती है। कैसे कलाई कैसे कार्पल्स, सी से कार, एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन कैसे ही होता है ना, कार्पल्स, आठ बोन हो गई। उसके बाद में भाई ये कार्पल्स हो गया, यहाँ के बाद में जो अपना पाम हो गया भाई, हथेली, पाम, PALM, पाम, हथेली में होती है पांच बोन। अब पांच बोन क्यों होती है, हमारे हाथ में कितनी फिंगर है, पांच, बेसिकली फोर फिंगर है एक थंब है, हम इनको कहेंगे टोटल पांच ही फिंगर कह सकते हैं हम, या चार फिंगर एक अंगूठा कह सकते हैं, पांच है। तो उनके लिए पांच बोन होंगी, वो कहाँ होंगी, पाम में, हथेली में, जिसको कहेंगे यार कार्पल्स था, इसको हम कह देंगे मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स याद रखने के लिए, कार्पल्स में आठ थी, मेटा में पांच हो गई, है ना, मेटा मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं मिल रही है, यहाँ से फिर जा रही है, तो इसलिए हम याद रखने के लिए मेटा। अब कार्पल्स में आठ थी तो मेटा में पांच हो गई, मेटा कार्पल्स। अब देखिए उसके बाद में हमारी ये फिंगर्स आ गई, ये फिंगर चार फिंगर एक थंब, ठीक है। उसके बाद हमारी फिंगर्स में है भाई 14। देखिए एक फिंगर में तीन बोन्स है, 1 2 3, 1 2 3। इस भाई साहब की भी दिखाई भी नहीं है ठीक से, दिखा सकते हैं, इसमें भी है थोड़ा थोड़ा, तीन तीन
दिखाइए बाकी टूट गई है। तो एक फिंगर में 3 बोन होती है भाई, 4 फिंगर में 12 हो गई और अंगूठे में 2 बोन होती है तो 14 हो गई। कितनी बोन होगी टोटल? 14 हो गई। याद रखना, आप बोलोगे सर 5 फिंगर में 15 नहीं है, 5 में 15 नहीं होगी, अंगूठे में 2 ही है। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, लेकिन फिंगर में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। सो टोटल ये बोन होती है 14, जिसको हम बोलते हैं फ्लेंजर। स्पेलिंग आप देख लेना, PHALANGER फ्लेंजर, ठीक है। तो अगर हम इन सबको काउंट करते हैं तो कितनी बोन हो जाती है, देख लो, ये होनी चाहिए 30। देखिए भाई 8 5 13 14 15 16 16 14 30, 30 बोन होगी हमारे एक हाथ में, तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी 60। चलो 60 को तो हमने निकाल लिया, 60 को हमने पढ़ लिया, 60 बोन होगी हमारे दोनों हाथों में। कौन सी बोन है? अपेंडिकुलर बोन है। टोटल बोन कितनी होती है अपेंडिकुलर? 126। 126 में से हमने 60 को देख लिया, बाकी भी देखते हैं, लेकिन एक बार हम रिवाइज करते हैं इनको भाई। सबसे पहले कंधे से एल्बो तक, शोल्डर से एल्बो तक एक होती है जिसका नाम है हुमरस। क्या नाम है जिसका? हुमरस। उसके बाद में एल्बो से लेके अपना रिस्ट तक 2 बोन हो गई। एक बोन वो है जो अपने अंगूठे की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं रेडियस। दूसरी बोन वो है जो अपने लिटिल फिंगर की तरफ जाती है, जिसको बोलते हैं अलना, ULNA। तो ये कितनी होगी? 2 बोन होगी, एक ही है और 2। उसके बाद कलाई से कार्पल्स, कार्पल्स में कितनी बोन होगी? 8। उसके बाद मेटाकार्पल्स, पाम में मेटाकार्पल्स में कितनी बोन हो गई? 5। मेटाकार्पल से अपनी फ्लेंजेज फिंगर्स में, एक फिंगर्स में कितनी हो गई? 3, लेकिन थंब में 2। सो अपनी टोटल फिंगर में कितनी हो गई? 14। और सारी की सारी बोन कितनी हो गई? 30। एक हाथ में तो दूसरे हाथ में 30, दोनों मिला के कितनी हो गई? 60। 60 को हमने याद भी कर लिया, लेकिन आपकी याद हुआ या नहीं, मैं एक बार फिर से आपसे पूछता हूँ भाई। ये कौन सी है? हुमरस। ये यहाँ से आ जा रही है रेडियस, अलना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। एक बार फिर से रिपीट करें, हुमरस, रेडियस, अलना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस। टोटल कितनी होगी? 30। दूसरे हाथ में 30, टोटल कितनी होगी? 60। चलो अब हम लेग में कितनी है बॉन्स होती है उनको देख लेते हैं। अब जैसे एक हाथ में हमारी 30 बॉन थी तो दोनों हाथों में 60 होगी। हम बात कर रहे हैं अपेंडिकुलर बॉन्स की, ठीक है, 126 जिनकी टोटल संख्या होती है। अब पैर में भी, एक पैर में भी 30 बॉन्स होती हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएंगे, 60 और 60 120 हो जाएंगे, फिर 6 बॉन बनेंगी बचेंगी अपनी, उसके बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लेग में जो बॉन होती है भाई। लेग में हमारे यहाँ से कंधे में शोल्डर टू अपना एल्बो एक बॉन थी, तो लेग में भी जो अपनी थाई की नी तक, मीन्स यहाँ से जो एक बोन है आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस बोन का नाम है फीमर। जो फीमर बोन होती है सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी में, और साथ ही अंदर से होलो होती है, होलो मीन्स खोखली होती है। अब बड़ी बोन है, अगर ये भरी हुई रहेगी तो वेट भी बढ़ जाएगा। अब खोखली क्यों होती है उसका अलग रोल है, लेकिन हम यहाँ केवल बोन्स के बारे में जान रहे हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक एक बोन होगी जिसका नाम है फीमर, इज द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी विच इज होलो फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में अगर हैंड की बात करें तो फिर एल्बो से अपने रिस्ट तक 2 बोन थी, यहाँ पे भी, यहाँ नी से लेके और एंकल तक 2 ही बोन है। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 ही बोन है, एक टीबिया और एक फिबुला। एक टीबिया जो मेन बोन होगी अपनी टीबिया होती है, नी से जो एंकल तक, यहाँ से नीचे जो एंकल तक अपनी जो मेन बोन है, जो मोटी वाली बोन देखिए आप, ये वाली बोन जो मोटी वाली मेन बोन है, ये है अपनी टीबिया, TIBIA। और इसकी सपोर्ट के लिए एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं फिबुला, FIBULA। तो कितनी बोन हो गई? 1 2 3। एक बार फिर से डिस्कस करें, यहाँ से यहाँ तक मतलब अपना नी तक कितना बोन हो गया? 1, जिसका नाम है फ्यूमर, लॉन्गेस्ट बोन है। उसके बाद में टीबिया एंकल से नीचे, सॉरी नी से एंकल तक, और उसके बाद में उसकी सपोर्ट के लिए फिबुला, ठीक है। उसके बाद में अपने कलाई में अपना कार्पल्स आ रहा था जिसमें 8 बोन थी। अब एंकल को हम टार्सल्स कहते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा, उसको कार्पल्स कहते थे इसको टार्सल कहते हैं, उसको कार्पल्स कहते थे इसको टार्सल कहते हैं। तो उसमें 8 बोन थी, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन अपने टार्सल विच इज एंकल, एंकल वाला एरिया उसको जिसको हम टार्सल कहते हैं, इसमें 7 बोन है। हो गया ना फर्क? आप बोलोगे सर वहाँ तो 8 बोन थी कार्सल अपना कार्पल्स में, यहाँ टार्सल्स में 7 बोन क्यों है? अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अपना जो नी है इसमें एक एक्स्ट्रा बोन होती है जिसका नाम है पतेला, PETELA।
पतीला होता है ना, पतीला के नाम से याद रख लेना, चूल्हे पे पतीला रखते हैं पतेला, तो इस बोन का नाम है पतेला। ये एक्स्ट्रा एक बोन एक्स्ट्रा लगी अपने नी के अंदर, इसको हम कहते हैं पतेला। इसीलिए जो अपना टार्सल है उसमें एक बोन माइनस होगी, वहाँ पे आठ की बजाय कितनी है सात। भाई हमने यहाँ पे कलाई के एरिया को क्या कहा था, कार्पल्स, कार्पल्स में बोन थी आठ, लेकिन यहाँ पे एंकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आठ नहीं है, यहाँ सात, क्योंकि नी के अंदर यहाँ पे ये देखिए छोटा बोन दिखाया गया, ये नाम है इसका पतेला। पतेला एक यहाँ आ गया तो वहाँ कितनी रह गई सात, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मेटा कार्पल्स था तो यहाँ पे मेटा कार्पल्स हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ के एरिया को हम पाम के एरिया को क्या बोलते थे, मेटा कार्पल्स, लेकिन यहाँ बोल देंगे मेटा टार्सल। मेटा टार्सल में यहाँ पे भी पांच थी, पैर में भी पांच है। उसके बाद में ये एरिया को हम क्या कहते थे, फ्लैंजेज, जिसमें कितनी थी 14 फिंगर थी, तो पैर वाले एरिया को क्या कहेंगे, फ्लैंजेज, इसमें भी 14 फिंगर है। अगर हमें 14 बोन है, अगर हम टोटल बोन को कैलकुलेट करते तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, आप देखिए कैलकुलेट करें, एक दो तीन चार, चार और सात ग्यारह, ग्यारह और पाँच सोलह, सोलह और चौदह तीस, एक पैर में कितनी बोन होगी डियर स्टूडेंट्स, तीस, दोनों पैरों में कितनी होगी साठ, दोनों हाथों में कितनी होगी साठ, तो साठ और साठ कितनी हो गई 120, 120 कौन सी बोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपेंडिकुलर, उपागीय जो बोन है जो बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट नहीं करती उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास कितनी बोन बच गई जिसका हमने डिस्कशन नहीं किया, छह बोन बच गई और छह बोन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब देखिए हमारा पैर, ये जो यहाँ तक बोन आई है फीमर बोन, और फीमर बोन को इस एरिए से हिप वाले एरिए से ज्वाइंट करने के लिए जो बोन होती है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, उसको हम बोलते हैं पेल्विक। दो बोन हो गई भाई, एक लेफ्ट में एक राइट में, दो बोन कौन सी होती है, पेल्विक बोन होती है, जो अपनी फ्यूमर बोन होती है, फ्यूमर बोन और अपना जो अपना ये ट्रंक वाला एरिया या हिप वाला एरिया है इसको जोड़ के रखती है, तो टू पेल्विक बोन होगी। दो बोन हमारी कैल्विकल होगी, यहाँ पे एक इधर, ये जो ऐसी रखी रहती है, देखिए यहाँ पे अगर आप फील करेंगे अपने आप को, कोशिश करेंगे तो यू कैन फील वेरी वेल, तो दो होगी क्लेविकल, CLA, VI, CLA, कितनी होगी भी चार। अब भाई दो बोन बची जो अपने कंधे में पीछे होती है शोल्डर में, एक इधर और इधर, जिसको बोलते हैं स्क्रैपुला, तो ये कितनी होगी छः। 120 के बारे में हमने पहले बात कर ली थी, टोटल कितनी होगी 26। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, पैर वालों की हाथ वाली बोन्स को हमने आपको याद करा दिया था, पैर वाली बोन को भी हम आपको याद कराते हैं। स्टार्ट एक बोन होती है फीमर, जो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक सबसे लार्जेस्ट बोन है, अंदर से होलो है। उसके बाद यहाँ एक अपना ये होता है पतीला बोन होता है छोटा सा, देख सकते हैं आप डायग्राम में दिख रहा होगा, नीचे दो पार्ट्स में दो बोन हो गई, एक टीबिया एक फिबुला, उसके बाद टार्सल में सात होती हैं, उसके बाद मेटा टार्सल में पांच होती हैं, फ्लैंजेस में चौदह होती हैं। एक बार मैं हाथ लगाऊंगा आप बताइए कौन सी बोन है, फ्यूमर बोन है, ये क्या है पतेला है, ये कौन सी है टीबिया है, ये कौन सी है फिबुला, जो एंगल वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं मेटा टार्सल, कितनी बोन है इसमें पांच बोन है, जो नीचे वाला टो और फिंगर्स हमको क्या बोलते हैं फ्लैंजेस, उसमें कितनी बोन है 14, दोनों पैरों में कितनी हो गई भाई 60, दोनों हाथों में कितनी हो गई 60, टोटल कितनी हो गई 120, 126 होनी है। अपेंडिकुलर में छह बोन और बची, दो बोन और कौन सी है पेल्विक, एक लेफ्ट लेग को अपने हिप एरिया से ज्वाइंट कर दी, दूसरी सॉरी लेफ्ट लेग वाली ये होगी, राइट लेग ये होगी, तो दोनों में एक एक पेल्विक हो गया, तो कितनी होगी 122। दो बोन हमारी यहाँ होती है क्लेविकल, CLA, VI, CLE, क्लेविकल एक हमारी ये होगी, वी कैन फील वेरी वेल, एक इधर होगी कितनी होगी भाई 124, दो बोन बची है तो पीछे वाले शोल्डर एरिया में काफी बड़ी बोन होती है, स्कैपुला कहते हैं, टोटल बोन होगी 126। तो हमारा जो आज का क्लास है लेंथी हो रहा है, जो रेस्ट ऑफ अपनी है अपनी बोन एक्सियल जो बोन है विच आर प्रोटेक्टिंग और बॉडी ऑर्गन्स लाइक हार्ट लंग्स, उनके जिनकी संख्या 80 होती है उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप ये 126 जो बोन है जिसका डायग्राम फिजिकल एजुकेशन की बुक में दिया है बट इतने अच्छे से नहीं बताया गया जितना मैं बता रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके पास एक चांस है कि अपने बायो के जो रेस्पेक्टेड टीचर हैं प्लीज़ उनसे डिस्कस करें, वो मुझसे भी अच्छा बताएंगे नो डाउट इसमें, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन फिजिकल एजुकेशन है, बट मैंने कोशिश की है इन दोनों को क्लियर करने की। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे डियर स्टूडेंट्स।